मेरे अरुणाचल प्रदेश के प्यारे बहनों और भाइयों, कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस की बीमारी है, दुर्भाग्य से पूरे विश्व में मानव स्वास्थ्य के लिए एक भयंकर खतरा बन गई है। मेडिकल साइंस अभी तक इस बीमारी का निश्चित उपचार और काउंटर नहीं ढूंढ पाया है, इसलिए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य के प्रत्येक नागरिक को घर से बाहर न निकलने की सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता है। इस संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील हमारे लिए उपयुक्त दिशा निर्देश है। अच्छी बात यह है कि पूरे देश ने ध्यान, गंभीरता और जिम्मेवारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील का स्वागत किया है। उनकी सलाह पर मुख्य रूप से सामाजिक अलगाव, भीड़ भाड़ से बचना, सार्वजनिक स्थानों पर न जाना तथा आवागमन को कम करने के लिए सबने पूरी तरह से कमर कस ली है। हमें भी अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। आपके राज्यपाल की जिम्मेवारी से मैं सभी अरुणाचली नागरिकों को बताना चाहता हूं कि हमारी राज्य की सरकार राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम लगातार उठा रही है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास हमारे राज्य में अपने नागरिकों के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं का पूरा पूरा भंडार है, इसलिए जमाखोरी से बचने की अत्यंत आवश्यकता है। इसी के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से किसी भी प्रतिष्ठान में लगे श्रमिकों को पूरा पूरा पारिश्रमिक भुगतान जारी रखने की भी आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा राज्य, हम सभी अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की बीमारी के प्रसार को एकजुट होकर अवश्य पराजित करेंगे। मैं अपने सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा जारी की गई लॉकडाउन के आदेश का पालन 31 मार्च 2020 तक भली भांति करें और स्वेच्छा से अपने घर से बाहर न निकलें। मेरे अरुणाचल प्रदेश के सभी प्यारे बहनों और भाइयों की कोरोना वायरस के खिलाफ कल्याण और सुरक्षा की मैं पूरी पूरी कामना करता हूं। जय अरुणाचल, जय हिंद।